हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, एमपी में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए 3-4 सालों से व्यापम पर अपडेट आता रहता है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होती है। एक बार फिर से इसकी एग्ज़ाम जो है वो आगे बढ़ा दी गई है, और जो मई 2022 में लिखा हुआ था उसे आगे बढ़ा दिया गया है। तो क्या है सारी जानकारी, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रखा है, और इसके बाद आपको ओपन करना है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है, और ये जो वेबसाइट है ये अपडेट हुई थी आज ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट अपडेटेशन 13 मई 2022 5:29 को अपडेट हुई है। तो क्या अपडेट इसमें आया है नया, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम क्लोज करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल लिखा गया है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2022 का एग्ज़ाम शेड्यूल दिखाया गया है। अब इसमें जो है, पहले मई 2022 तक का एग्ज़ाम शेड्यूल दे रखा था, लेकिन अब जो है अक्टूबर 2022 तक का एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो समूह 4 सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी, वो उसकी एग्ज़ाम सितंबर 2022 में होगी, और कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी के पदों हेतु भर्ती परीक्षा। तो आईटीआई टीओ की जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम सितंबर 2022 में होगी, व्यापम के कैलेंडर के अनुसार। अब ये जो डेट है, ये डेट आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि व्यापम का जो कैलेंडर है वो पिछले 2-3 सालों से आप लोग देख रहे हैं कि इस कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ामें बहुत कम हो रही है। इसमें जो दिखाया जाता है उसके बाद ही एग्ज़ाम होती है। तो आप कम से कम मान के चले कि सितंबर 2022 से पहले इसकी एग्ज़ाम नहीं होगी, सितंबर 2022 के बाद ही इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो आई होप फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कि एमपी आईटीआई टीओ की जो वैकेंसी है वो कब आएगी। तो सितंबर 2022 में अगर हम एग्ज़ाम देखें तो इससे 2 महीने पहले, यानी कि जुलाई में इसकी वैकेंसी आने की संभावना है, अगर सितंबर में एग्ज़ाम होती है तो। और अगर जुलाई में वैकेंसी नहीं आती है किसी कारण से, और जुलाई में एडवर्टाइजमेंट इसका नहीं आता है, तो एग्ज़ाम जो है वो और भी आगे बढ़ सकती है। तो इस हिसाब से अब आपको तैयारी करना है। अगर आप एमपी आईटीआई टीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 4-5 महीने पूरे हैं, जिससे कि आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।